जोधपुर में सुरसागर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक खान मजदूर का क्षत विक्षत हालत में शव मिला था। मामले में अब पुलिस ने खुलासा करते हुए इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक खान मजदूर की गाड़ी बैक लेते समय हादसे में जान गई थी और अब पुलिस ने आरोपी चालक को पकड़ लिया है। मामले में डीसीपी पश्चिम दिग्गत आनंद ने बताया कि फिदूसर चौपड़ के पास अम्बेडकर कॉलोनी मार्ग पर पत्थर की खान में शनिवार सुबह एक श्रमिक का संदिग्ध हालत में शव मिला और उसकी पहचान आगोलाई निवासी संतोष दमामी के रूप में की गई। उसकी कमर के नीचे का हिस्सा क्षत विक्षत हो चुका था, दोनों पांव भी बुरी तरह से कुचले हुए थे। मामले में जांच के बाद पता चला कि ये हत्या नहीं थी बल्कि हादसे में मजदूर की जान गई थी और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को खान में फेंक दिया गया। डीसीपी के मुताबिक रात को गाड़ी को पीछे लेते वक्त मजदूर संतोष उसकी चपेट में आ गया था और उसकी मौत हो गई थी, लेकिन आरोपी चालक द्वारा शव का दूसरी जगह फेंक कर सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। दोपहर में ये सूचना पुलिस को मिली थी कि एक अज्ञात शव जो है वो सुरसागर थाना क्षेत्र में दूसरे चौपड़ के आगे एक जो माइनिंग एरिया है पत्थर का जहाँ पे खाने हैं वहाँ पे पड़ा हुआ मिला है। उस शव की परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार थी कि उसकी जो टांगे थी वो क्षत विक्षत हो रखी थी और बाकी शरीर पर कहीं कोई मृत्युकारक चोट जो है वो प्राइम ऑफिस दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये सबसे पहले चैलेंज ये था पुलिस के सामने कि ये मर्डर है या कोई मर्ग है, और दूसरा चैलेंज ये था कि जो विक्टिम है उसकी पहचान करनी थी। तो विक्टिम की पहचान कर ली गई जो रहने वाला बालेसर थाना क्षेत्र जोधपुर ग्रामीण का था। उसके बाद मौके पे जो मोबाइल फोरेंसिक यूनिट है उसको बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और विक्टिम का जो मूवमेंट है जो लास्ट जब देखा गया था अपने पैतृक घर पर बालेसर में वहाँ से लेकर के और घटनास्थल तक मिनट टू मिनट उसका मूवमेंट ट्रेस करने पर हमने पुलिस की एक टीम लगाई जिसमें सर्किल प्रताप नगर के कई अधिकारी SHO सुरसागर SHO देवनगर और बाकी की टीम ने इसमें निरंतर काम किया जिसमें आज SHO सुरसागर को सफलता मिली है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का था कि ये जो व्यक्ति था ये निकटवर्ती किसी पत्थर की फैक्ट्री में लेटा हुआ था, सोया हुआ था और उस फैक्ट्री में काम करने वाले किसी ड्राइवर ने एक हैवी व्हीकल चलाते वक्त उससे ये कुचल गया जिससे इसकी टांगें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई। उसने ये अंदेशा जान के कि अब कोई पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा कार्रवाई की जाएगी इसकी बॉडी को जो है वहीं निकटवर्ती सुने इलाके में ठिकाने लगा दिया जिस कारण से अत्यंत रक्तस्राव हो जाने से इसकी हेमोरेजिक डेथ हुई। तो जो मुलजिम है जो ट्रक का उसका जो हैवी व्हीकल का चालक था उसको दस्तयाब कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा इसमें कायम हो गया है संबंधित धाराओं में IPC की और जो बॉडी है वो परिजनों को तत्काल उसी दिन बाद पोस्टमार्टम हैंड ओवर कर दिया। सर गैर इरादतन हत्या का मामला 304 और जो एविडेंस नष्ट करना 201 IPC की जो धाराएं हैं इनमें मुकदमा दर्ज हुआ है। अनुसंधान प्रारंभिक जो कंप्लीट हो गया जो आपको मैंने बताया उसके अलावा यदि कोई और अलामत निकलते हैं तो इनमें संबंधित धाराएं जोड़ दी। आरोपी के नाम वगैरह क्या? अस्पताल क्यों नहीं ले गया सर, क्या कह रहे हैं? पुलिस के डर से और उसको ये लगा कि मेरे ऊपर कहीं हत्या का मुकदमा चल जाए। मजदूर की मौत के इस मामले में पहले हत्या की आशंका जताई जा रही थी लेकिन जांच के बाद साफ हुआ कि ये हत्या नहीं हादसा था। हालांकि गाड़ी चालक ने बाद में शव को दूसरी जगह फेंक सबूत मिटाने की कोशिश की थी। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पंजाब के CTV के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।